अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियाँ। दोस्तों, इंसान ज़िंदगी में अकेला पैदा होता है और उसके बाद अकेला ही ज़िंदगी गुजारनी होती, लेकिन जो लोग आसपास आते हैं उनके बारे में हम अगर जान लें तो बहुत बेहतर होगा। बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ सीज़न के लिए आते हैं, वो हर सीज़न में आपका साथ नहीं दे सकते, बिकॉज जिस सीज़न में रहना वो चाहते हैं जब आपका सीज़न बदल जाता है तो वो कहीं और चले जाते हैं। इसमें उनका कसूर नहीं है। आप भी किसी की ज़िंदगी में एक सीज़न के लिए जा सकते हैं। कुछ लोग रीज़न के लिए आते हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बेहतरीन दोस्त हैं, आपके बहन भाई हैं, वो किसी रीज़न से आपकी ज़िंदगी में, और कुछ लोग सिर्फ ट्रीज़न के लिए आते हैं। अगर आप ये जान लें और ये जानकर ज़िंदगी गुजारें तो आपको नुकसान कम होगा और आप लोगों को जल्द पहचान भी लिया करेंगे। याद रखें, ज़िंदगी में अगर आपने किसी को अपने ऊपर ये चाहना है कि वो रश्क करे, तो सिर्फ दो लोग इस चीज़ के हकदार हैं कि वो आपकी ज़िंदगी पर फ़ख्र करें। एक वो 8 साल का बच्चा, जब आप 8 साल के थे, उसको आपकी पूरी ज़िंदगी देख के उस पर फ़ख्र होना चाहिए, और 80 साल का वो बाबा जो आप बन जाएंगे अपने बुढ़ापे में, उसको भी अपनी पूरी ज़िंदगी में फ़ख्र होना चाहिए। और अगर ये 8 साल का बच्चा और 80 साल का बुढ़ापा आपकी ज़िंदगी पर फ़ख्र कर सकते हैं तो आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों की परवाह ना करें। आइए इस पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको एक आमिल बाबा की गार में लेके चलते हैं और देखते हैं वहां पे क्या अमलियात हो रही हैं। आप खुद आमिल बाबा हैं जी? नहीं जी, मैं तो अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। आमिल बाबा अभी अंदर हैं, वो बहुत मसरूफ हैं, अमल कर रहे हैं, जिन्हों को काबू कर रहे हैं, इस दुनिया की सारी शक्तियां अपने अंदर समेट रहे हैं। जरा बुलाए ना, जरा हम उनसे मिले। बुला लेते हैं। ये क्या, ये क्या, ये तुम्हारा व्हाट्सएप है क्या ये? और अभी ऊपर से कुछ गुजरा है। ना कर यार, क्या हो गया? यार आप तो खुद डर गए। नहीं, मैंने जब बुलाया ही नहीं है तो खुद से आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। जूतियां ला लो जी। हाँ जी। अच्छा जी बाबा जी। ओ भाई, हेलो। ओ नहीं नहीं, बाबा जी खुद कह रहे जूतियां ला लो। यार वो एहतरामन एहतरामन कह रहे हैं। एक ही साथ एक ही मंदिर में जिन भूत दियो और चुड़ैल आपको मिला दी है। बाबा जी बच्चे नु लेके आए जी, इनु जिन है। अब्बा जी कोई ऐसा मसला नहीं, मेदे दा मसला वा, तुसी मेनू एक मिनट, हो सकदा जिन दे मेदे दा मसला हो। इस आदमी में जो जिन है वो बाबा जी के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। बाबा जी नु बुला लो, मेहरबानी करो, असि बड़े परेशान है जी। आप लोग जानते नहीं बाबा जी को, बाबा जी ने 35 साल हिमालय पे लगाए हैं। वाह वाह। इसके बाद बाबा जी ने जगह जगह पे चिल्ले काटे। वाह वाह वाह। समंदर के अंदर, दरिया के अंदर, नहर के अंदर, जैकूजी के अंदर, सोना के अंदर और टब के अंदर। मेरे ख्याल बाबा जी डॉल्फिन दे बच्चे। ये ताड़े बाबा जी मेनू वाटर प्रूफ लगते। लेकिन आपके बाबा जी एक टब में पूरे आ जाते हैं। बाबा जी की शक्ति ऐसी है कि वो बाज दफा लोटे की सुराख वाली साइड से नीचे जाते हैं और दूसरी साइड से बाहर आ जाते हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, कैसे ग्लीज बाबा जी है। अंदबड़ गिरन। ये क्या जिन आ रहा है इसमें? ओ नहीं, सारे डकार लेंदा ते इस तरह ही लेंदा। अच्छा, अभी जिन नहीं आया? नहीं अजय तो नहीं। ये तो तुसी देखोगे कि ना जिन आया जी जी, कारण भज जाना इथों। आप लोग तशरीफ रखे। काका मेनू फड़ा दो। बाबा जी किधर है? अच्छा, ये बाबे दा कॉर्डलेस है जी। बाबा जी ध्यान ना, थोड़े पैरां च मैक्सी अड़न दई आ। उमरे मैक्सी नहीं है, साडा चोला है। अच्छा, मैं पहचान गया हूँ, तुम लोग पुलिस स्टेशन का स्टाफ हो सारे। सर बिल्कुल सही है, SHO आसम सर, चोबू, चीता, बिल्कुल समीना। गुजारिश है कि सानू रिपोर्ट हुई है कि बाबा जी जड़े थे दो नंबरी कर रहे ने। अच्छा, लोगों नु लूट रहे ने। यार वाकई बहुत सही जगह आए हो। इस वजह नाल अज असीं इह सारा पेस बदल के इह सारी रैकी करांगे, सारे एविडेंस साडे हत्थी आउणगे ते केस मजबूत होणा। बिल्कुल। वैसे चीते तुमने एक्टिंग डकार वाली बहुत अच्छी की। ओ नहीं सर, कसमें यकीन करो भी डकार आ इहदा, थाणे भी जदों लैंदा पुट्ठा हो जांदा। सर अगला मिशन की है साडा? देखो असीं इत्थे तमाम कैमरे लाए, टोपी च भी कैमरा लगा। अच्छा, सवेरे ने मेरे को इस कैमरे की वजह ने गालां खादियां। क्यों? टोपी समेत बाथरूम चला गया। मैं इन्हू कहा भी अजे तो बाथरूम जाए कैमरा बंद। उधर कैमरे लगे ना। हाँ जी सर। जिस तरह ही कोई भी क्लाइंट इतने बाबे नू पैसे देगा जी सर,
ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਯੈਸ ਗੁੱਡ। ਜੁੰਬਿਸ਼ ਮਕੁਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਾਸ਼, ਵੋ ਜਿਨਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਮ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਜਿਨ, ਨੋ ਵਰਚੂ ਓਨਲੀ ਸਿਨ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ये बाबा जी रहे हैं पानी में। इस बाबे ने से लगदा ना ना हुंदा चिल्ला कीता ए जितने साल भी पानी में रहे ना ने मुंह पर ही रखा है। वैसे पता है क्या ये रहे होंगे वहां पे? क्यों? क्योंकि टैडपोल भी तो रहता है पानी। चीतो चीत गडेरियां दो तेरियां तो मेरियां और मेरियां जान मेरियां नी मैं बन के कबूतर पावा फेरियां नी मैं। यार ये किस किस्म के बाबा जी हैं? लग रहा है इस बाबे को तो खुद जिन चढ़े हुए हैं। बच्चा बाबा जी मैं अपने मंगेतर का केस लेके आई हां। केड़ा मंगेतर है बच्चा? ओह है मंगेतर है। हां जी है। तड़ा देने आ तड़ा देने। ओए मैं तेन हजार बारी क्या मेरा तीन बारी तड़ा निकलया। उधर कोई शर्म है? हाले में कुछ पढ़या? आई एम स्टिल लर्निंग। हां हट हट जा हट जा हट हट। अगर बिटिया जगर बिटिया कर कर गल्ला कीतियां हट जा हट जा हट हट हट। बाबा जी अरे वो वाकई कुछ गुजरा है। मैं अल्लाह की कसम वाकई। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਿਮੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੱਚਾ। ਕਾਕਾ ਉਰੇ ਆ ਜਾ ਉਰੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਹਟੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ? ਦਾਸ ਸਾਰ ਕੇ ਬਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜਗੜ ਬੇਟੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ? ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿੰਮੀ ਆ ਨਾਂ ਮੇਰਾ। ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਲ ਕੋ ਆਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਬੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਬੜਿਆ? ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦੇ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਏ? ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰਾਏ ਸੀ। ਜਿੰਨ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਡਰ ਗਏ? ਮੈਂ ਤੂੰ ਡਰਨ ਡਿਆ ਸਾਹਬ ਲਾ ਲਓ। ਕਦੋਂ ਛੱਡੇਗਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਬਸ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨ, ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਠ ਜਾ ਬੈਠ ਜਾ। ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਬੈਠ ਬੈਠ ਜਾ। ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਆ ਤਾ ਸਰ? ਉਹ ਤੂੰ ਉਧਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਧਰ ਆ ਜਾ। ਓਏ ਜਿੰਨ ਨੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇੱਕਦਮ। आप कहाँ से आई? मैं समनाबाद से आई हूँ। तो मुझे ना इन जिन बाबा का पता चला था, मैं ना अपने घर से बहुत परेशान हूँ। असल में क्या मसला है आपके घर? मेरी जो सास है ना, जी जी, वो ना मेरे खावंद को नहीं छोड़ती। हांडी हिल रही है। ये क्या हो रहा है? ये वाकई हिल रही है भाई इंडिया। मुझे लगा था मैं सही पढ़ बैठा। मुझे लगता है मेरी सास को पता चल गया मैं इधर हूँ। आपकी सास आपको तंग करती है? बहुत तंग। ये क्या कर सकता है? इतने इन्ने जुल्म होंदे हुण ना छड़ देईदा। ये ऐसा और थोड़ी दुनिया मा है? ये मैंने यार तुम अपने चक्कर में पड़ गए हो। नहीं सर नहीं। मैंने सुना था ये मेरी सास में सुइयां चुभोएंगे ना। तो तेरी सास ना की मजाक अभी सुइयां चुभोएंगे। अच्छा आपको किसी ने कहा है कि ये आपकी सांस में सुइयां चुभोएंगे? तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा मेरे खावन से रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। वो जैसे ही काम से घर आते हैं ना, वो तीन तीन घंटे उनसे टांगे दबाती हैं, इतनी देर में मैं सो जाती हूँ, क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड होता हमारा। ओ बीबी गल मकाला, उन्हें आसमानी पंगूड़ा बनाया। पापा लगता है सिर चा चार पा बैठे। आप पढ़ी लिखी है? मैंने मैट्रिक किया है। इससे ज्यादा एजुकेशन मैंने चाहिए भी नहीं। तुम अपने चक्कर में पड़ गया। ए फिकर हो जा बच्चा, इतने तू आ गई है, हर परेशानी दाल साडे कोले। प्लीज मुझे मेरा बंदा चाहिए। कुछ चीजा चाहिए दिया ने। क्या चीजें बाबा जी? चीजा दस बच्चा। इसके लिए एक काले रंग का बकरा चाहिए, ठीक है, जिसका यहाँ पर दो नीले रंग के निशान हो। काले बकरे दे कदी नीले निशान? इटा मार के ले आए थे। पतली कमर वाली भैंस। पतली कमर वाली भैंस? मज 28 कुड़ी दा। मज 28। लंबी गर्दन वाला चूहा। बाबा जी ये अमल वासे चीजा चाहिए हैं, ये फिल्म दी कास्ट पूरी कर। बाबा जी लेकिन ये चीजें तो मैं नहीं ला सकती। नहीं ला सकती तो फिर तो चली जा बच्चा। अच्छा मैं ले आऊंगी, आप भी आप मेरी मदद करना। चीजा ले आऊंगी पैनिया ने।
ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮਾਰਾਂਗੇ तेरी सस दे दम बराबर हो जाएंगे। लेकिन बाबा जी इतने जालिम नहीं, अगर तुम ये चीजें नहीं ला सकती तो हमें पैसे दो, हम अरेंज कर देंगे। लेकिन बाहर तो फ्री लिखा हुआ था बाबा जी। ये चीजों को मेरी रिश्तेदार नहीं, चढ़ेला मेरी को खा दी गतियां नहीं, जिनको मेरे फूफे का पुत्र नहीं। सॉरी सॉरी, इन्होंने कुछ देना है तो इन्होंने जाना है। कितने पैसे बाबा जी फिर? ये चीजें काफी रेयर है मुझे लगता है। रेयर क्या होती नहीं है। उड़ने वाला भैंस कौन सा? इतनी कमर वाली भैंस कौन सी होती है? हुंदियाने बच्चा, या तो इतनी कमर होगी या भैंस होगी। बाबा जी पैसे फाइनल बताएं मुझे। फाइनल पैसे दस बच्चा। ग्यारह लाख बच्चा। ग्यारह लाख तो बहुत है, इतने नहीं हो सकते बाबा जी। 11 लाख लाएंगी बच्चा, तेरे कर दे मामलात भी सीधे हो जाएंगे, तेरी सास भी मर जाएगी। अब दे मरवाउन वास्ते 11 तेन देना, दो किसी और नु दे के मरवा दे। इहो जे सियाणे बंदे दे वे तू आस्ताने नहीं चलना। ए कदमों में गिर जाएगा। तेरे कदमों जो नहीं उठेगा, भावे नु बो आंदी रहे उठे ही ना। जो मैनु जानदी होवे ना ते पैसे मैन देवे, सारी जिंदगी ते पैरां च ना उठे। दो पांजे लगे उसको। मैं लेके आती हूँ बाबा जी, मैं लेके आती हूँ। थैंक यू। लाया बच्चा, लाया बच्चा। 11 लाख लेके आना, 11 लाख। आप कौन साहब हैं जी? मैं जी बाबा जी का बड़ा पुराना मरीज हाँ। ये तो ना मरीज है जो मैं बाबा भी नहीं सा। मैंने याद आ तो बाबा मिश्री शाह ना मक्कना दी सन लोया कट्ठा कर। ਕਿਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾ ਗਿਆ ਬਰੀਦ ਦੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਲੜ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਵੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡਤੇ। ਵਾਹ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਬਚਤ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਆਏ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਵੀਜ਼ ਐਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਓਹ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆਹਾ, ਬਾਪੇ ਹੈਰਾਨ ਡੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੌਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਐਂਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਰਾਮਤ ਵੇਖਣਾ ਬੱਚਾ। ਚੇਲੇ ਕੌਣ ਜੀ? ਓਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, 8 ਪਟਾਕੇ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਐਬਸਰਡਿਟੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਐਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਵੋ ਔਰ ਇੱਕ ਯੇ, ਪਲਾਂਟਡ ਲੋਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਲਾਵਾ ਫਿਰ ਮੰਨੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 8 ਭਰਾ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਤੂੰ। ਦੌੜ ਚ ਫਿਰਨ ਡਈਆਂ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਚ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਜੋ ਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਓਵੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਓਏ ਓਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਆ ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਸੱਸ? ਹਾਂਜੀ। ਅਭੀ ਆਪਨੇ ਇਨ ਪੇ ਜਾਦੂ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਥੱਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ? ਜਾਣੀ ਇਸ
मुबारक होवे तुसी फड़े गए हो। खबरदार किसी ने हिलने की कोशिश की। मैं SHO आसम बड़े दिनों तो तेरी रैकी कर रहे थे कि दुनिया नु इथे लुटदा। ओए अच्छा सारे बकवास बंद कर। ओए एक मिनट ओए इधर आ। ओए चोखिया ओ तू किधर दौड़ रहा से? तू ही तो सारी गवाहियां देनियां। बाबा जी मैं की दसा? सारे कोई दस दी हुण ते फड़े गए। सर 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 बाबा जी ने ते अंदर AC लाए हुए ने, सोफे लगे हुए ने, ते डिस्को लाइटा लगी हुई ने, पूरा पार्टी माहौल बनया होया। आओ थानू पार्टी कराई दी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ साहब। कहंदी भाई यार किधर जाना ते आई है, सवेरे निकलांगे। आओ जी। नाज़रीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। पेशेंट? हाँ जी, अपने बेड पे आ जाए। मैम मुझे आपका ये फ्रॉक बहुत पसंद आया है। मैं नहीं बेचना, लंडे जाएगा तो ले लाई।